कि जनता से हम अपील करते हैं, विश्वास भी हमें, क्योंकि हमने सुना है कि जींद से पूरी हरियाणा की राजनीति चालू होती है। और आज जो यहाँ आजाद समाज पार्टी की मीटिंग हुई है, ज्वाइनिंग मीटिंग हुई है, उसमें हमारे सुनील राज बामनिया जी हैं। इन्होंने जो अपना दल था वो आजाद समाज पार्टी में विलय कर दिया है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। और हम यही चाहेंगे कि इस कारमा को सुनील बामनिया जी आगे बढ़ाएं टीम के नेतृत्व में, प्रदेश की टीम के नेतृत्व में। और जो हमने सुना है आज तक कि जींद से हरियाणा की राजनीति चालू होती है, उसको करके दिखाएं, क्योंकि अब आपको एक मंच मिल गया है और मंच में इतना बड़ा मंच है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में है, देश में, दुनिया में। तो हम ये चाहेंगे कि जिनकी जनता एक बार हमारा साथ दे, हमारी पार्टी का साथ दे, और हम उसकी समस्या वैसे पहले सड़कों पर लड़ते आ रहे हैं और फिर हम सदन में भी लड़ेंगे। जींद जिले की हम आजाद समाज पार्टी की जो है कार्यकारिणी नहीं है, उसका गठन कब तक होगा? बीमार भी की तो है, जिला अध्यक्ष वगैरह जो है। देखिए, इसका जवाब जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पूरा हरियाणा है, इसका जवाब वही देंगे। सर, देश में लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें आपकी बार जो है गठबंधन को काफी वोट बैंक मिला, तो अब जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें किस तरह की रणनीति तय होगी हरियाणा में आपकी पार्टी? देखिए, हम लोग जो है संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं और संविधान बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। संविधान ना रहेगा देश का तो कुछ ना रहेगा, और इस संविधान में ही पूरे बहुजन समाज की आस्था है और विश्वास है। तो संविधान बचाने के लिए हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये फैसला लिया कि हमें पहले संविधान बचाना है और उसके बाद हम पूरे जो आगे का हमारा सिस्टम रहेगा उसको बचाएंगे। आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते पे, चाहे उसने पहला चुनाव लड़ा हो या भविष्य में लड़ेगी, उनको रोकने वाले बहुत सारे संगठन हैं, दल हैं, मगर आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। अगर किसी को हमारा साथ देना है, उसके दरवाजे खुले हैं। कितने स्टेट में चुनाव लड़ेगी? हम जितने भारत में स्टेट हैं जहां हमारी संगठन है, जितने स्टेटों में, सब में हम चुनाव लड़ेंगे। कल राहुल गांधी ने जो उनका भाषण था वो काफी वायरल हो रहा है, सुई राजू ने बात रखी है, उनके पक्ष में ज्यादा कल बोल दिखाई देता। कल नरेंद्र मोदी, बीजेपी नहीं चाहती कि इस सदन में या सदन के बाहर संविधान की बात हो, संविधान के मानने वाले की बात हो। और बात रही राहुल गांधी जी की, क्योंकि राहुल गांधी जी हों या अखिलेश जी हों या और कोई भी संगठन हो, संविधान अगर किसी ने पहले उठाया तो मान्य है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उठाया है और उन्होंने संविधान बचाने के लिए अपने आप को आगे लाए हैं। मगर जो कुछ लोग नकल कर रहे हैं, नकल से काम चलने वाला नहीं है, जनता जानती है। और जो संविधान के रक्षक हैं, जिन्होंने अपना घर फूंक दिया है, न घर देखते हैं, न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, और समाज की समस्या के लिए हर समय वो तैयार रहते हैं, और संविधान वही लोग बचा सकते हैं, ना कि ड्रामा करने वाले लोग। बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है, हमें जहां मान सम्मान मिलेगा, जहां अपना मन अपनापन होगा, हम वहां पे जाएंगे। और आजाद समाज पार्टी कोई बाहर की नहीं है, ये हमारे ही अपने जो लोगों की संगठन है। हम जिस संविधान को मानते हैं, ये उस संविधान को बचाने के लिए सबसे पहले अग्रसर है। आज एक जरूरी है हमें एकजुट होकर के इस जो मुहिम को और इस जो संगठन को ताकत देने का काम करें, ताकि वे आने वाले समय के विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं उनके अंदर जो हमारा एक दबा कुचला हुआ समाज है उसको कहीं ना कहीं उभारने के लिए, उनकी जो राजनीतिक हिस्सेदारी दर्ज करवाने के लिए, इस संगठन को और मजबूती देने के लिए हमें एकजुट होकर के इस जो संगठन का दामन थामा। आज इनेलो को छोड़ने का वो एक मेरा निजी कारण है, जहां मान सम्मान नहीं होता वहां आदमी कोई नहीं रुकता। तो जींद में आपको क्या लड़ाई लड़ेंगे आप? हम पिछले लगभग 2-2.5 साल से, मतलब अपने जनशक्ति मंच के संगठन के नाते, जितने भी निजी हमारे जो बस की थी हमारे जो के अंदर, हम जल्द से जल्द, मतलब जो हमारा सफर है थोड़ा और स्पीड से आगे भागेंगे, लेकिन इस सफर को हम कुछ ही समय के अंदर मतलब कवर कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। डॉक्टर कृष्ण मिड्डा के जो जुमले थे वो खत्म हो चुके हैं, ना तो उनका 20 साल से अभी तक बाघरा का पानी आया है,
ना यहाँ की जो सड़कें हैं वो दादाले पोता वाली बनी है, ना जो उनकी मतलब जो सीवरेज व्यवस्था थी वो आज तक सुचारू रूप से चालू हुई है, ना जो पानी की व्यवस्था थी वो चालू हुई है, और जो यहाँ के स्कूलों की और जो यहाँ की स्थानीय जो गलियों की समस्या, स्ट्रीट लाइटों की समस्या है, यहाँ के जो लोगों के थैले जो हाथों में ले घूम रहे। जी बहुत खुशी की बात है, और जींद में आज बहुत ही सम्मानित साथी सुनील राजबामनिया जी ने अपनी जो पुरानी पार्टी अपना दल छोड़कर आजाद समाज पार्टी जो इनकी, इनका आजाद समाज पार्टी में स्वागत है, और हम इनसे उम्मीद करेंगे कि आजाद समाज पार्टी आजाद विचारों की पार्टी है, और अपने आजाद विचारों से इस लड़ाई को गरीब मजदूर किसान हर शोषित वर्ग की आवाज उठाने में अपना भागीदारी निभाएंगे। तो प्रदेश में किस तरह की जिम्मेवारी दी गई है, नया आप क्या करेंगे, जो विधानसभा का चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर आप लड़ाएंगे? विधानसभा में जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा है वो कर्मचारी की पुरानी पेंशन बहाली का है, ओपीएस। यदि हरियाणा की जनता आजाद समाज पार्टी को मौका देती है तो पहली कलम में हम जो कर्मचारी हैं ओपीएस का जो मामला है उसको पहली कलम में क्लियर करेंगे, जो सबसे बड़ा मामला हमारा। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे हरियाणा में, कितनी सीटों पर क्या? हम पूरी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, पूरी 90 सीटें हैं, पूरी 90 सीटों पर हम हुंकार भरेंगे, और जिनमें से कुछ सीटें ऐसी हैं जहां से हम जैसे माने चंद्रशेखर आजाद जी ने गिना कर रहे हैं, और हरियाणा में भी एक बहुत मजबूती से जो है हम रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं। जींद जिले की कार्यकारिणी कब तक गठित होगी? जींद जिले की कार्यकारिणी हो सकता है संडे को, इस एतवार को, ऐसे कार्यकारिणी गठित है, सिर्फ उसको लेटर पैड पे जारी करना है, बाकी सब किया हुआ है। धन्यवाद। कोई भी दल बेरोजगारी और महंगाई की बात देखिए सर, आज तक जो बेरोजगारी महंगाई है भाई, जनता ने जिनको आज तक मौका दिया है वो लोग उस चीज से बिल्कुल मुंह फेरते हैं, और आजाद समाज पार्टी तो सबको पता है गरीब मजदूर किसान कमेरा की पार्टी है भाई। यहां पर यदि आप जनता, यदि जनता जो है जनता जनार्दन अपना कीमती वोट दे करके आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को संसद तक पहुंचाएगी, विधानसभा तक पहुंचाएगी, तो भाई इस देश को नोट कर लीजिएगा, इस देश को दोबारा फिर सोने की चिड़िया बनाने का काम आजाद समाज पार्टी करेगी, जो कि महंगाई के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर। आज हरियाणा की बात करूंगा तो हरियाणा में बेरोजगारी इतनी है कि यहाँ के जो युवा हैं वो फॉरेन में जाकर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं, छोटी छोटी कंट्रियों में, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी, शिक्षा दर, चिकित्सा सब जीरो है। ये जो खोखली राजनीति जो बीजेपी की सरकार कर रही थी या कांग्रेस ने अभी तक की है या इनेलो ने की है, ये खोखली राजनीति अब वो नहीं चलेगी हरियाणा में। हरियाणा की जनता समझदार हो चुकी है, हरियाणा का वोटर ताकतवर हो चुका है, अब वो वोट की चोट से इन आने वाले चुनाव में जवाब देगा कि अब ये तानाशाही नहीं चलेगी, अब देश में आजाद समाज पार्टी और भाईचारे की सरकार चलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनाव से पहले ही अपना पिटारा खोल दिया है, कर्मचारियों का जो के एचकेआरएन में लगे हुए हैं वो 8% बढ़ा दिया उनका, और लोगों को वो प्लॉट है जो कांग्रेस राज में कटे थे उनको अब कब्जा दिला रहे हैं। जुमला पर क्या जुमला है? जुमला अभी याद आया, अभी 3 महीने बाद चुनाव है, मुख्यमंत्री जी को अभी याद ही चीज है, 10 साल निकाल दिया, 10 साल से कभी खट्टर, पहले खट्टर जी थे, अब नायब सैनी जी है, मेरे अंबाला से है, मेरे पड़ोस में रहते हैं, मैं कैसे हम ही भर दू भाई, एक गलत आदमी के हाथों में आप हरियाणा की बागडोर सौंप रहे हैं। ये जो सभी मामले थे ये 10 साल से याद नहीं है, अभी 3 महीने में चुनाव आ गए हैं एमएलए के, अब याद आ गए। मैंने क्या कहा, अभी हरियाणा की जनता समझदार हो चुकी है, अब खोखले दामों को वोट, वादों को वोट नहीं देगी, अब की बार वोट देगी बहुत सोच समझ कर, इस जो है हरियाणा की जनता रोजगार को वोट देगी, शिक्षा को वोट देगी, शिक्षा को वोट देगी, भाईचारे को वोट देगी, मजदूर किसान कमेरा की आवाज को वोट देगी। चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो लगातार वो किसान आंदोलन में भी साथ रहे थे किसानों के, आपको क्या लगता है हरियाणा का किसान चंद्रशेखर आजाद को उसका फल देगा? हाँ जी बिल्कुल देगा, हरियाणा आपने नगीना में देख तो लिया, नगीना में किसी एक व्यक्ति वर्ग जाति विशेष के व्यक्ति ने थोड़ी ना, ऐसे चंद्रशेखर आजाद जी संसद में नहीं पहुंच गए, हरियाणा में भी
यहाँ पर एक बहुत सुंदर गुलदस्ता खिलने वाला है जिसमें सभी बगीचों के फूल लिखेंगे आपको, सभी जाति और धर्म के लोग आएंगे और यहाँ पर एक मजबूत व्यवस्था आप लोगों को देकर के जाएंगे। हरियाणा की ही बात करें तो आजाद समाज पार्टी संविधान बचाओ की हुंकार करती है, दबे कुचले लोगों की बातें करती है, क्या हरियाणा में आजाद समाज पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा दलित होगा? बिल्कुल दलित होगा, क्यों नहीं हो सकता? क्या दलित में है? पहली बात यह है कि आजाद समाज पार्टी को सिर्फ दलित के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसा क्यों भाई? मोदी जी को दलित के साथ जोड़ दो या उसकी जाति के साथ जोड़ दो, राहुल गांधी को उसकी जाति के साथ जोड़ दो ना, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी को ही दलित के साथ जोड़ा जा रहा है। जबकि अभी थोड़ी देर आपने क्वेश्चन किया था कि किसान आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद आए थे, भाई उसमें कितने दलित थे भाई? जो दिल्ली में इन बहनों के सम्मान में जो किसान जो पहलवान बेटियां थी भाई, उनके सम्मान में भाई कौन से दलित थी बताइए मुझे आप? अभी जो जींद में अभी चार महीने पहले जो है एक रैली हुई थी ओपीएस को लेकर के भाई, वो तो उसमें सर्वजातीय थी, उसमें आपका भाई था। सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जी को दलित के साथ जोड़ना ये भी एक दोहरी मानसिकता है। और आप लोगों को भी ये चीज, आप पत्रकार हैं, एक चौथा स्तंभ है, तो मैं तो आपसे भी कहूंगा कि चंद्रशेखर आजाद को सिर्फ दलित के साथ जोड़ना अच्छी बात नहीं, वो देश का नेता है। देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, माननीय साहब कांशीराम के पश्चिमों पर चलने के लिए जो साहब कांशीराम ने जो पौधा लगा था वो बसपा को भी लगाया। अब जो आप कांशीराम जी का नाम लेकर आजाद समाज पार्टी का गठन हो चुका और इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या समाज में ये नैरेटिव नहीं चाहेगा कि हम साथ किसका दें, आसपा का दें या बसपा का दें? तो उसमें उस असमंजस में समाज क्लियर हो तो गया ना, नगीना में क्लियर हो तो गया। जिनका आप नाम ले रहे हैं वो मानते हैं हमारी पार्टी है, आपने देख तो लिया, वो जीरो हो गए या हीरो हो गए, अब इससे ज्यादा क्या है? ये तो दो टुक बात है भाई। बदलाव प्रकृति का नियम है, जो काम करेगा मौका उसको देगी जनता। क्या दोनों दल एक साथ खड़ा नहीं हो सकते समाज भाई? वो भविष्य में, भविष्य देखो, राजनीति में दोस्त ही दुश्मन है। राजनीति का पार्ट है, क्या पता हम और आप भाई बहन जो क्या पता सारे पत्रकार हम आपको टिकट दे दें, आप चुनाव लड़े, वो तो समय की बात है। जो समय है कहेगा, जो तय करेगा, जो जनता की मांग होगी भाई वो तय करेगा। जा समझ पर ये माना जाए कि खिड़की अभी खुली है, खिड़की दरवाजा सब कुछ खुला है, आप आइए तो सही, सब कुछ खुला है। आजाद समाज पार्टी आजाद विचारों की पार्टी है, आप आइए, सब कुछ खुला है, क्या दिक्कत है, लड़िए चुनाव।